Hello students, welcome back. This is Rajkumar Yadav and now we are going to study the topic 11.5 atmospheric refraction. So, आपने शायद observe किया होगा कि कभी-कभी आप किसी चीज़ को देखते हो तो वो आपको हिलती-डुलती नज़र आती है, थोड़ी सी इधर-उधर dance करती नज़र आती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आपकी आपके आँखों में आने वाली जो रोशनी है, वो इस तरह की हवा में से पास हो रही है, जो हवा थोड़ी गर्म है. और हवा क्यों गर्म है? मान लो कि कहीं पे आग लगी हुई थी और उसके ऊपर की जस्ट हवा थी जो वो गर्म होगी काफी. वहां से रोशनी ट्रेवल करके आपके आंखों में आएगी तो आपको वो चीज थोड़ी सी धुंधली या फिर थोड़ी सी हिलती डुलती नजर आएगी. तो अगर कहीं पे भी आग है, कहीं पे भी ज्यादा टेम्परेचर गर्म है, तो उस जगह की मतलब आग के ऊपर की जो हवा होती है वो थोड़ी सी हल्की ज्यादा गर्म होती है, ना कि वो हवा जो उस आग से काफी दूर है. तो जो हवा गर्म होती है वो थोड़ी हल्की भी होती है कूलर एयर के मुकाबले, और गर्म हवा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा कम होता है, राइट? तो जो गर्म हवा होती है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? थोड़ी कम होगी, ना कि कूलर एयर की. और क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रिफ्रैक्टिव मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम कौन सा? ये जो एयर है. तो ये एयर का जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम है बच्चों, उसमें हमेशा एक जैसा तो होता नहीं है ना, कभी ज्यादा कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी हवा गर्म होती है कभी ठंडी होती है. तो ऐसे केस में हम इस तरह की गर्म हवा में से किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें कैसा नजर आता आएगा? वो ऑब्जेक्ट हमें फ्लक्चुएट होता हुआ नजर आएगा. ये जो वेवरिंग इफेक्ट है, ये वेवरिंग एक तरह का इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का. ये जो वेवरिंग होता है ना हमारे अर्थ पे, जब गर्म हवा के जरिए हम किसी चीज को देखते हैं और वो चीज हमें थोड़ी फ्लक्चुएट करती हुई नजर आती है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से. जो लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमें वो चीज थोड़ी वेवरिंग करती हुई नजर आती है स्मॉल स्केल पे हमारी लोकल एनवायरमेंट में. अब ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का फिनोमेना है, ये भी ऐसा ही कुछ फिनोमेना है, लेकिन कैसा? ये बहुत बड़े स्केल पे होता है, राइट? तो ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का जो इफेक्ट है वो एक फिनोमेना है, लेकिन बड़ी स्केल में होता है. इसी बात को हम चलो समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है? तो अब देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. तो रात के टाइम पे जो हमें तारे चमकते हुए नजर आते हैं वो इसीलिए क्योंकि स्टार लाइट का एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है. जैसे ही स्टार लाइट हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है तो उसका कंटिन्यूअसली लगातार उसका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता रहता है, और फिर जाके वो हमारे ऑब्जर्वर के आंखों में आती है. अब ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, एक ऐसे मीडियम में होता है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होती रहती है. और क्योंकि ये जो एटमॉस्फेयर है वो स्टार लाइट को नॉर्मल की तरफ बेंड करता है ना, तो जो एक्चुअल पोजीशन से स्टार हमें थोड़ा अलग नजर आता है. तो अगर हम होराइजन से देखते हैं तो वही स्टार हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर नजर आता है एक्चुअली में. अब ये जो स्टार की पोजीशन होती है ना, वो एक जैसी नहीं रहती, स्टेशनरी नहीं रहती, वो धीमी धीमे चेंज होती रहती है, क्योंकि जो अर्थ के एटमोसफेयर की फिजिकल कंडीशन है वो भी एक जैसी नहीं रहती, जैसा कि हमने पिछले पैराग्राफ में देखा. और क्योंकि स्टार्स बहुत दूर हैं, इसीलिए हम उन्हें मानते हैं कि ये पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट है. और क्योंकि ये जो रास्ता है, वो रास्ता जिस रास्ते से स्टार से निकलने वाली लाइट की रेज ट्रेवल करती हैं, वो रास्ता भी धीमे धीमे स्लाइटली डिफरेंट होता रहता है. इसीलिए जो स्टार्स की पोजिशन है वो फ्लक्चुएट होती है, और जो हमारे आंखों में जो स्टार की रोशनी आती है, कभी कम आती है कभी ज्यादा आती है. इसी बात को तो हम बोलते हैं कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं. द स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर एंड एट सम टाइम फेंटर, विच इज द ट्विंकलिंग इफेक्ट. तो स्टार कभी हमें ज्यादा ब्राइट नजर आता है और कभी हमें थोड़ा हल्का नजर आता है, इसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग इफेक्ट. तो प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, क्यों प्लैनेट्स चमकते नहीं है? देखो, प्लैनेट्स के बारे में एक बात आपको पता है कि प्लैनेट्स स्टार्स के मुकाबले प्लैनेट्स हमारी अर्थ से काफी नजीक हैं, और इनको हम क्या मानते हैं? इनको हम एक्सटेंडेड सोर्सेज मानते हैं. एक्सटेंडेड सोर्सेज, ना कि एक पॉइंट साइज सोर्स, नहीं, एक्सटेंडेड सोर्सेज. तो बच्चों, अगर हम एक प्लैनेट को ऐसा मान लें कि एक प्लैनेट जो है वो प्लैनेट बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट से बना हुआ है, तो इन हर एक सोर्स ऑफ लाइट, हर एक पॉइंट वाले सोर्स ऑफ लाइट से जो भी वेरिएशन होगा ना, जो भी वेरिएशन होगा, और वो वेरिएशन जो हमारी आंखों में घुसेगा उसकी लाइट, तो वो वेरिएशन बाकी सारे सोर्स ऑफ लाइट जो भी उसमें पॉइंट में से निकल के आ रहे हैं बहुत सारे, वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे,
इसीलिए जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो ट्विंकलिंग इफेक्ट एवरेज होके जीरो हो जाएगा, इसीलिए हमें वो प्लैनेट्स ट्विंकल होते नहीं नजर आते। और अब देखते हैं टॉपिक एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो जो हमें सनराइज के वक्त सन नजर आता है ना, वो हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है। एक्चुअल सनराइज हो उससे 2 मिनट पहले हमें सन दिख जाता है। और सनसेट के टाइम पे क्या होता है, सनसेट एक्चुअली में हो चुका होता है लेकिन हमें 2 मिनट बाद ऐसा नजर आता है कि हाँ सनसेट अब जाके हो रहा है, राइट। तो सनसेट 2 मिनट लेट होता है हमारे लिए और सनराइज हमारे लिए 2 मिनट पहले एक्चुअली हो जाता है। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एक्चुअल सनराइज से हमारे कहने का मतलब ये है कि जब सन सही में एक्चुअली जब होराइजन को क्रॉस करता है तो वो होता है एक्चुअल सनराइज। अब आप फिगर 11.10 में देख लो कि एक्चुअल और अपेरेंट पोजीशन जो होती है सन की, वो होराइजन के मुकाबले में, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये होराइजन है, होराइजन में एक्चुअली सन हमारा अभी नीचे की तरफ है, एक्चुअली में नीचे है लेकिन हमें लगता है कि सन यहाँ पे है और सनराइज हो चुका है, ये बता रहा है फिगर 11.10। ये जो एक्चुअल जो टाइम डिफरेंस है एक्चुअल सनसेट और अपेरेंट सनसेट के बीच में, वो है 2 मिनट का। मतलब जब एक्चुअली सनसेट होता है वो और जब हमें लगता है कि एक्चुअली में अभी जाके सनसेट हुआ वो, उसके बीच में 2 मिनट का डिफरेंस होता है, ठीक है। सनसेट पहले ही हो चुका होता है, हमें 2 मिनट बाद ऐसा लगता है कि हाँ अभी जाके सनसेट हुआ, ठीक है। अब जब सनराइज के वक्त हमें सन थोड़ा सा फ्लैट नजर आता है और सनसेट के वक्त भी थोड़ा सा फ्लैट नजर आता है, वो भी बिकॉज ऑफ द सेम फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो बच्चों यहाँ पे हम ये वीडियो खत्म करते हैं, अब यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही है, अपने तरफ से पूरा जोर लगा दो, बाकी जो भी है फल वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन अपने तरफ से कोई भी कसर मत छोड़ना, अच्छे से मेहनत करके पास होके दिखाना, अच्छे मार्क्स ला के दिखाना अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको, ठीक है। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।